हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आइए आज हम अपनी ब्लाउज की ये बैक साइड पे डिजाइन्स और एक बहुत ही सुंदर अमेजिंग डिजाइन लगाते हैं जो कि बहुत इजी होगी। तो देखिए, ये मैंने फर्मा कटिंग किया हुआ अपनी ब्लाउज के अकॉर्डिंग और नेक लाइन को मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक ऐसे ही हाथ से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि मैं डिजाइन जिस पे लगाऊंगी, इसलिए मैं इस यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। जो ये ड्रॉ कर रही हूँ उसको मैं कटिंग करूंगी। लगभग 1 इंच ऊपर से लिया है मैंने इसकी चौड़ाई और नीचे से मैंने इसको 1 इंच लिया, बीच से कुछ ज्यादा यानी एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेते हुए मैंने इस प्रकार से ड्रॉ किया है अपनी डिजाइनर पट्टी लगाने के लिए। और जो पट्टी लगाऊंगी उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया ताकि जब ब्लाउज के ऊपर मुझे मार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये जो पट्टी निकाली है इससे मैं अपने ब्लाउज की बैक साइड पे ड्रॉ करूंगी। तो इसी को मैं यहाँ पे रखूंगी और इसके चारों ओर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी स्केच से। आप पॉइंट लगा ले ताकि जब आप डिजाइन लगाएं तो आपकी बिल्कुल बराबर दूरी से लगे। तो मैं दोनों साइड में और ऐसे यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया है, फेब्रिक लिया है और ये लगभग डबल में 1.5 इंच है और सिंगल में 3 इंच है। फिर 3 इंच चौड़ी ये पट्टी है और इसको मैंने 1 इंच रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा पे और स्टिचिंग लेनी है। तो इस प्रकार से आप लंबी पट्टी कटिंग कर लें, जितने की आपकी नेक लाइन है उससे डबल से भी ज्यादा पट्टी होनी चाहिए तो आपका नेक लाइन वन साइड से कवर होगा। तो मैंने दोनों साइड की एक एक पट्टी तैयार की है, एक कलर की और दो कलर मैं इसमें यूज करूंगी। तो आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है उसको कट करते हुए 1 इंच रखते हुए और मैं इसको फिनिश करूंगी। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूं जैसे हम डोरी फोल्ड करते हैं पेचकस की सहायता से। आप इसको ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए बहुत इजी तरीके से ये अंदर फोल्ड भी हो जाएगी और ओपन हो जाएगी। तो ऐसे आप जो दो कलर यूज कर रहे हो उनको ऐसे स्टिच करके फोल्ड कर लीजिए और इस पट्टी को आपको 1 इंच की रखना है, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी आपको एक्स्ट्रा लेना हो ले या ना ले, किंतु आपको जो ओपन है वो 1 इंच की रखना है। तो इस तरह से ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी पूरी, इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद मैं आपको बहुत ही सुंदर डिजाइन बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूले। और इसके साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी डिजाइन्स के और कटिंग्स के सारी साइज के अकॉर्डिंग कटिंग मिलेगी, स्टिचिंग मिलेंगी। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा सीखने वाली बहनों तक शेयर करें। तो ये मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे आयरन से फिनिश करूंगी और जो सिलाई है उसको बीच में ले आऊंगी। सिलाई को आप ऐसे बीच में लेकर के आगे से आप आयरन से इसको फिनिश कर लें। अब ये हमारी ब्लाउज की नेक लाइन है और इस पे हम अभी डिजाइन्स लगाएंगे। डिजाइन्स कैसे बनाते हैं देखिए, एक चुन्नट लगानी है हमें 1/2 इंच की बिल्कुल बीच में। प्लेट्स लगाएंगी बिल्कुल मिडिल सेंटर में चलते हुए, बस ये 1/2 इंच की हमें प्लेट्स लगानी है और जो दूरी है वो 1 इंच की रखनी है। इस तरह से पूरी पट्टी हम तैयार करेंगे 1 इंच की दूरी रखते हुए 1/2 इंच की प्लेट्स लगाती हुई। तो इसी तरह से जो सारी हमारी ये बेल्ट जो हमने वो ऐसे हमने तैयार कर ली है।
बिल्कुल मिडिल सेंटर में स्टिचिंग लेते हुए और इस तरह से बिल्कुल पूरी पट्टी जो है वो तैयार कर लेनी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल। और डिजाइंस भी बहुत अच्छी बनेगी, आप इसको अच्छे से देखते रहिए। तो मैंने दो कलर यहाँ पे डिजाइंस में यूज किए हैं। अब ये जो हमारी डिजाइनर पट्टी है इसकी हम यहाँ पे स्टिचिंग लेंगे सीधे में, ऑन साइड देख लीजिएगा आप इसकी, और हम इसकी ऊपर से यहाँ पे स्टिचिंग लेंगे। फर्स्ट में हम इसकी जो ये हमारी ड्रो लाइन है इस लाइन के ऊपर ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, इस चीज़ का मैं ध्यान रखते हुए, या फिर आपको ऐसे नहीं लगाई जा सकती तो आप आलपिन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको इससे ऐसे लगानी होगी। तो एक स्टिचिंग ले लेते हैं इसकी, ऐसे सिलाई की लाइन है उसी पे हम इसकी स्टिचिंग लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके इसको नीचे की ओर ऐसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर में यहाँ पे हम स्टिचिंग ले लेंगे। और जैसे हमने इस तरफ ही स्टिच किया है वैसे ही हम हमारी जो दूसरी साइड है यहाँ पे भी हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे नेक लाइन की, इस तरफ में भी ये वाली पट्टी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर ली है, अब हम जो ये धागा इसको चेंज करेंगे और जो ये वाली लेयर है इसको हम यहाँ पे स्टिच लेंगे इसकी। बिल्कुल इसके पास पास में हम ये लेयर स्टिच करेंगे, जैसे हमारी सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर ऊपर हम इसकी स्टिच ले लेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए आपको स्टिचिंग ले लेनी है यहाँ पे, फिर जो एक्स्ट्रा उसको थोड़ा सा कट किया अंदर की ओर फोल्ड किया ऐसे, और आप यहाँ तक स्टिचिंग ले लीजिए। तो यहाँ पे स्टिच हो गई है, ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा पक्का कर दीजिए और ये हो गया। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी अपनी जो वो लेयर है जो तैयार की है हमने उसको स्टिच ले लेते हैं, जैसे हमने तैयार की है वैसे ही हम यहाँ पे स्टिचिंग लेंगे इसकी, ठीक ऐसे ही सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लेते हुए। मैंने अपनी डिजाइनर पैटर्न्स को यहाँ पे स्टिच कर लिया है, अब हम सुई लेंगे और सुई में एक धागा लेंगे, ठीक है। इसमें जैसे ये कलर का धागा है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे मैं एक पट्टी को लूँगी एक्स्ट्रा धागा, इसको आप बाद में कट कर दीजिएगा जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक बीच से चलेंगे, सुई को बीच से निकालेंगे ताकि गांठ जो आपके बीच में चल ली जाए। इसके बाद में आप यहाँ कॉर्नर से लीजिएगा, फिर आप इस कॉर्नर से लीजिएगा और इस पे आप ऐसे एक इसको धागे को खींच लीजिएगा, इस तरह से ये आपका धागा यहाँ पे खींच जाएगा, ऐसे आपको बिठाना है। इस डिजाइंस को कैसे बिठाना है ये आपने देखा कि इसको हमें ऐसे बिठाना है। यहाँ से फिर मैं नीचे वाले पैटर्न्स को लेते हुए फिर इसमें अच्छी सी गांठ लगा दूंगी। इसमें आप यहाँ पे मोती भी लगा सकते हो, यहाँ पे
तो मैं आपको मोती लगा करके भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आप व्हाइट मोती भी लगा सकते हैं, अनोदर में और कोई मोती भी आप लगा सकते हो या और कोई पैटर्न्स भी आप लगा सकते हो। इसको मैं यहाँ पे पी बैक साइड में टाइट कर दूंगी ताकि वो जो स्टिचिंग है वो खुले नहीं। इसके बाद हम नीचे की सेकेंड में चलेंगे यहाँ पे, फिर हम वैसे ही करेंगे, यहाँ से उठाएंगे एक धागे को बीच में से लेंगे, फिर एक धागा हम यहाँ से लेंगे, फिर आप इन तीनों को इस तरह से खींचेंगे थोड़ा सा और खींचते ही आपकी जो ये डिजाइन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब आपको शायद अच्छी सी समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे विश्वास है। अब फिर हमें क्या करना है, नीचे वाले लेते हुए नीचे वाले ये जो बीच की सिलाई है ना इसको साथ में अटैच करते हुए यहाँ से इसको हम पक्का कर देंगे। एक सिलाई में खींचेंगे तो उसकी सिलाई में पक्का कर देंगे और फिर इसको हम नीचे की ओर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे हम फिर थर्ड में आएंगे, थर्ड में ये जो यहाँ पे आएंगे फिर हम जो ये हमारी स्टिच ली हुई होती है ना आधा इंच की, इसके ठीक यहाँ ऊपर से एक सिलाई यहाँ से लेंगे, दूसरी यहाँ से कवर कीजिएगा और तीसरी ये इस कॉर्नर से आप कवर कीजिएगा। इस हिसाब से कवर करते हुए सारी जो आप पैटर्न है ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत सरल है और बहुत ही सुंदर आपका ब्लाउज जो पहना हुआ वो लगेगा। नीचे को साथ में जो बीच वाली सिलाई है उसको साथ में लेते हुए यहाँ पे पक्का कर देंगे। ये हमारे डिजाइन का लुक होगा इस तरह से। पूरे जो हमारी ये सिलाइयां हैं इसको मैं इस तरह से बनाती जाऊंगी। हमारी जो डिजाइन वो यहाँ पे कम्प्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे ये बटन यूज करूंगी, जैसे एक बटन ये यहाँ पे ऐसे मैंने बटन बनाए छोटे से, जैसे ये वाला मेरा बटन है और ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसको ऐसे फैब्रिक के अंदर डाल करके बटन को, और मुझे कुछ ऐसे कर लेना है, ऐसे हो गए। अब इसके नीचे मैं धागा लगा दूंगी। तो जैसे मैंने ये सेम कलर का धागा ले लिया है और इसको दो तीन बार ऐसे लपेटती हुई दूसरी छोर का जो धागा है उससे ऐसे इसको टाइट कर दूंगी। तो ये यहाँ पे टाइट हो गया है। अब जो नीचे इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अंदर में बटन है इसको मैंने कट कर दिया है। अब ये हमारा बटन यहाँ पे तैयार है कलर्ड का, कलरफुल बटन आप इस प्रकार से बहुत इजीली बना सकते हो। तो देखो मैं एक यहाँ पे लगाऊंगी और सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे ऐसे में लगा दूंगी, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स इसका हम कट कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।